347 डिग्री फारेनहाइट यानी 175 डिग्री सेल्सियस तापमान के जरूरत पड़ते हैं कॉर्न को पॉपकॉर्न में कन्वर्ट होने के लिए। पॉपकॉर्न में सबसे ज़्यादा पाए जाता है फाइबर, कैलोरीज, फैट और शुगर भी मिलता है लेकिन कम मात्रा में। कॉर्न प्रोडक्शन में भारत 7वें रैंक पे आता है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले जो 3 देश हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना एंड ब्राज़ील के नाम आता है। पॉपकॉर्न को इतना पॉपुलर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है मल्टीप्लेक्स और थिएटर ऑपरेटर्स को, जबकि 1912 साल में जब पहली बार पॉपकॉर्न को थिएटर्स में एंट्री करवाया गया तब ऐसा नहीं था। आज मल्टीप्लेक्स में रेवेन्यू के लिए पॉपकॉर्न का एक बड़े कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये ऐसा एक फूड है जो सॉफ्ट ड्रिंक के बिना इनकम्प्लीट है। पॉपकॉर्न की साइंटिफिक नेम जिया मेस एवर था। वर्ल्ड वाइड पॉपकॉर्न डे 19 जनवरी। कॉर्न को पॉपकॉर्न में कन्वर्ट होने के लिए 175 डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ता है। 1912 में एंट्री हुआ था थिएटर में पॉपकॉर्न का पहली बार। पॉपकॉर्न प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री USA। आप जब भी सिनेमा घरों में या थिएटर्स में जाएं, पॉपकॉर्न का ये छोटा सा स्टोरी दिल में रखिएगा। और इसी का साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को इजाजत दीजिए। नमस्कार।